राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज सभी नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आज ग्लोबल पावर के रूप में एक नई पहचान बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, इससे पत्थरबाजी और आतंकवाद समाप्त हुआ है। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। बहनों और भाइयों, आज जो ये कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहाँ केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं, यह भी हमें नहीं बोलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना है, उनके रोजगार की योजना है, पीएम विश्वकर्मा रोड यूपी की योजना है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का दर्शन कर पा रहे हैं। जो काम हुए हैं, याद रखना मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है।
तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए, विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। केवल एक ही जो देश की आवाज है, और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र